नंदू की गांव के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान थी, लेकिन उसके यहाँ चाय पीने इक्का दुक्का लोग ही आते थे, जिस वजह से नंदू को दो वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक बार नंदू अपनी चाय की दुकान पर खड़ा था, इतने में एक बुढ़िया नंदू की दुकान पर पहुंच जाती है। बुढ़िया बहुत थकी हुई थी और नंदू से कहती है, बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या मैं तुम्हारे यहाँ एक रात बिता सकती हूँ? नंदू कहता है, हाँ अम्मा क्यों नहीं, लो चाय पी लो। बुढ़िया नंदू से कहती है, बेटा लगता है तुम्हारी दुकान में कोई चाय पीने नहीं आता। नंदू दुखी होकर कहता है, हाँ अम्मा बस दिन ही गुजर रहे हैं, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। बुढ़िया मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम बहुत दयालु हो, एक दिन अवश्य ही ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। शाम होने के बाद नंदू अम्मा को खाना खिलाता है और अपना बिस्तर अम्मा को सोने के लिए दे देता है। बूढ़ी अम्मा नंदू को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। अगले दिन सुबह बुढ़िया नंदू से अलविदा लेती है और कहती है, बेटा ये एक मदारी की तस्वीर है जो अपने बंदर के साथ करतब दिखा रहा है, इस तस्वीर को तुम अपने दुकान के बाहर लगाना, जब तुम्हारी दुकान पर चाय पीने के लिए ग्राहक आएंगे तो तुम तीन बार जोर से मदारी कहना। मदारी अपने बंदर के साथ तस्वीर से बाहर आकर करतब दिखाने लगेगा और लोगों का मनोरंजन करेगा, जिससे तुम्हें बहुत आमदनी होगी। ये बात सुनकर नंदू बहुत खुश होता है और हैरान होकर वो तस्वीर अपने दुकान के बाहर दीवार पर लगा देता है। तीन बार जोर से मदारी कहकर पुकारता है। कुछ ही देर में सचमुच मदारी अपने बंदर को लेकर बाहर आ जाता है और तरह तरह के करतब दिखाता है, फिर करतब दिखाकर फिर से तस्वीर में गायब हो जाता है। बुढ़िया ने नंदू से कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी लालचवश मदारी को करतब दिखाने के लिए मत बुलाना, अन्यथा मदारी कभी भी तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएगा और फिर ये तस्वीर तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये कहकर वो बुढ़िया अम्मा वहाँ से चली जाती है। नंदू अपनी दुकान में चाय बेचता है। नंदू तीन बार जोर से मदारी कहकर पुकारता है। नंदू के पुकारने पर मदारी अपना बंदर लेकर तस्वीर से बाहर आ जाता है और तरह तरह के करतब दिखाकर वापस तस्वीर के अंदर चला जाता है। मदारी और बंदर का करतब देखने के लिए लोग दूर दूर से नंदू की दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं। मदारी भी उनका खूब मनोरंजन करता है। इस तरह अब सुबह से लेकर शाम तक नंदू की चाय की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। नंदू की चाय की दुकान मदारी के करतब की वजह से आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन जाती है। नंदू को भी खूब आनंद आ रहा था। इस तरह नंदू अब पक्का मकान बना लेता है। एक दिन उसी गांव का एक साहूकार का नौकर नंदू की दुकान में लगी भीड़ को देखकर वही रुक जाता है। वह बहुत हैरानी से मदारी के द्वारा दिखाए गए करतब को देखता है। वह साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार जी अपने ही गांव के नंदू के पास एक ऐसा मदारी है जो नंदू के कहने पर तस्वीर से निकलकर लोगों को तरह तरह के करतब दिखाता है। ऐसे मदारी का मालिक चाय वाले नंदू को नहीं बल्कि आपको होना चाहिए। साहूकार और उसका नौकर अगले ही दिन नंदू की चाय की दुकान में जाते हैं। वहां वह देखता है कि सभी गांव वाले मदारी के बंदर के करतब देख रहे थे।
कुछ ही देर में साहूकार का नौकर सभी गांव वालों को वहां से भगा देता है। साहूकार बहुत घमंडी था। नंदू को कहता है, अरे नंदू, तुम इस मदारी के बंदर का क्या करोगे? तुम जो कीमत कहोगे वो मैं इस तस्वीर की देने को तैयार हूँ। इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी सात कुश्ते भी बैठ कर खाएंगी। मदारी और बंदर तो मेरे घर की रौनक बनेंगे और मैं जब चाहूँ तब बंदर का तमाशा देखकर अपना मन बहलाऊंगा। ये कहकर रुपयों की थैली नंदू के पैरों में फेंक देता है। नंदू के मन में इतने सारे रुपए देखकर लालच आ जाता है और वो तस्वीर देने को तैयार हो जाता है। साहूकार नंदू को कहता है, अरे नंदू, एक बार जरा हमें फिर से मदारी के बंदर का तमाशा तो दिखा, हम भी देखें ये कैसे कैसे करतब दिखा सकता है। नंदू मदारी कहकर तीन बार पुकारता है, लेकिन इस बार मदारी अपने बंदर को लेकर तस्वीर से नहीं निकलता। वह फिर दोबारा से कई बार मदारी कहकर पुकारता है, लेकिन तस्वीर में कोई भी हलचल नहीं होती। ये सब देखकर साहूकार अपने रुपयों की थैली नंदू से छीन लेता है। वह नंदू को भला बुरा कहकर अपने नौकर के साथ वहां से चला जाता है। अब नंदू को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसके हाथ से धन भी गया और तस्वीर भी। उसे बुढ़िया के द्वारा कही गई बात याद आती है कि लालच करने पर ये मदारी कभी कर्तव्य नहीं दिखाएगा, और नंदू ये सब याद करके रोने लगता है। फिर एक दिन शाम को नंदू अपनी झोपड़ी में बैठा खाना खा रहा था, इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदू कहता है, कौन है? और ये कहकर जैसे ही दरवाजा खुलता है वह उसी बूढ़ी अम्मा को देखकर रोने लगता है। बूढ़ी अम्मा कहती है, नंदू, मैंने जो तस्वीर तुम्हें दी थी वो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, मैं अपनी ये तस्वीर तुमसे वापस लेने आई हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर नंदू कहता है, अम्मा, क्या मुझे एक मौका फिर से नहीं मिल सकता? बुढ़िया कहती है, नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि लालच नहीं करना है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम मुझे ये तस्वीर वापस कर दो। नंदू दुखी होकर वो तस्वीर बूढ़ी अम्मा को वापस कर देता है। बूढ़ी अम्मा मदारी और बंदर को लेकर वहां से चली जाती है। नंदू के फिर से वही पुराने गरीबी वाले दिन वापिस आ जाते हैं, लेकिन अब पश्चाताप का कोई लाभ नहीं था। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने पर हमारा ही नुकसान होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी